हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आज जिस वेब सीरीज की बात होगी वो एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। मैं बात कर रही हूँ द रेलवे मैन, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ भोपाल 1984, मतलब हिस्टोरिकल ट्रेजेडी ड्रामा थ्रिलर। यशराज फिल्म्स ने 4 एपिसोड्स की मिनी सीरीज द रेलवे मैन के साथ OTT स्पेस में अपना खाता खोल दिया है। सीरीज नेटफ्लिक्स पर शनिवार को स्ट्रीम हो चुकी है। पहली सीरीज के लिए बैनर ने एक ऐसी सच्ची कहानी चुनी है जिसके जख्म आज तक नहीं भरे हैं। इंडियन हिस्ट्री में 1984 को 2 शॉकिंग इवेंट्स के लिए याद किया जाता है। 31 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के असैसिनेशन और उसके बाद सिखों के खिलाफ हुए दंगे। दूसरी घटना है 3 दिसंबर को भोपाल में हुई गैस ट्रेजेडी, दोनों में हजारों मासूमों की जाने गई। दोनों इवेंट्स के बीच फासला लगभग 1 महीना। द रेलवे मैन वेब सीरीज प्राइमरली बेस्ड ऑन भोपाल गैस लीक इंसिडेंट के बैकग्राउंड पर, जिसमें इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद के इंसिडेंट्स के छींटे भी है। ये अनसंग हीरोज की कहानी है, उनके जज्बे हौसले इंसानियत को दिखाती है और इस बात को साबित करती है कि सुपर हीरोज सिर्फ यूनिफॉर्म या कॉस्ट्यूम पहनकर नहीं आते। अब आती हूँ मैं इसकी स्टोरी डिकोड सेक्शन में। घाटे से जूझ रही अमेरिकन केमिकल कंपनी यूनियन कार्बाइड में सेफ्टी इश्यूज को लगातार इग्नोर किया जा रहा है। एम्प्लाइज इसे समझते हैं मगर मैनेजमेंट नुकसान का हवाला देकर उन्हें चुप करवा देती है। 2 दिसंबर 1984 की रात मिथाइल आइसोसाइनेट यानी कि MIC गैस लीक हो जाती है। पूरी सिटी में गैस फैलने लगती है और इससे पहले कि लोग कुछ समझ सके मरने लगते हैं। भोपाल जंक्शन के स्टेशन मास्टर इफ्तिखार सिद्दीकी यानी कि KK मेनन के सामने लोगों को बचाने की जिम्मेदारी है, साथ ही इटारसी से भोपाल की ओर आ रही ट्रेनों को रोकना भी है ताकि ट्रेन में आ रहे लोगों की जान बच सके। रेलवे का कम्युनिकेशन सिस्टम खराब होने की वजह से चुनौती बढ़ जाती है। GM सेंट्रल रेलवे रति पांडे यानी कि R माधवन इटारसी जंक्शन पर सरप्राइज इंस्पेक्शन के लिए पहुंचते हैं। भोपाल की सिचुएशन पता चलने पर वो कमांड अपने हाथ में लेते हैं और उधर जाने वाली ट्रेनों को रोकने की कोशिश करते हैं मगर वो नाकामयाब रहते हैं। भोपाल जंक्शन और इस ट्रेन के पैसेंजर्स की जान बचाने का ह्यूज चैलेंज अब रेलवे एम्प्लॉयज के हाथों में है। इसमें न्यूली अपॉइंटेड लोको पायलट इमाद रियाज यानी कि बाबिल खान और पुलिस कांस्टेबल के भेस में चोर बलवंत सिंह यादव यानी कि देवेंदु उसकी मदद करता है जो भोपाल स्टेशन पर रखे कैश को चुराने आया था। अब आती हूँ मैं एक्टर्स की परफॉर्मेंस और कई टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे। भोपाल गैस ट्रेजेडी दुनिया के सबसे भयानक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स में से एक माना जाता है। इस शॉकिंग इवेंट्स को कुछ फिल्मों और डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए पहले भी दिखाया जाता रहा है लेकिन रेलवे डिपार्टमेंट के एंगल से ट्रेजेडी को पहली बार दिखाया गया है। आयुष गुप्ता ने सीरीज को लिखा है और शिव रवायल का डायरेक्शन है। सीरीज की शुरुआत यूनियन कार्बाइड में गैस लीक इंसिडेंट से 16 घंटे पहले 2 दिसंबर 1984 से होती है। पहले एपिसोड के फर्स्ट हाफ में कहानी का स्टेज तैयार हो जाता है। राइटिंग की खूबी यही है कि इसमें डायलॉग्स के जरिए यूनियन कार्बाइड की नेग्लिजेंस और एक पॉसिबल इंसिडेंट की आउटलाइन समझा दी गई है। मसलन KK का किरदार अपने बेटे के यूनियन कार्बाइड में जॉब करने के फैसले पर सवाल उठाता है तो समझ आ जाता है कि कॉमन मैन के मन में कंपनी को लेकर क्या परसेप्शन है। सीरीज यहाँ ये सवाल भी छोड़ती है कि जिस बात को कॉमन मैन समझ रहा था सिस्टम उसे क्यों नहीं समझ सका। बहरहाल 2 दिसंबर को गैस लीक होती है और शहर में लाशें बेचना शुरू हो जाती है। स्टोरी का फोकस रेल एम्प्लॉयज पर है लिहाजा इंसिडेंट का मेन सेंट्रल भोपाल जंक्शन ही रहता है। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री और भोपाल शहर पर फोकस नहीं रखा गया है। इमाद का रेलवे में लोको पायलट की जॉब का पहला दिन होता है।
वो पहले यूनियन कार्बाइड में ही काम करता था और अपने एक दोस्त को गैस लीक में मरते देखा था। तब से वो फैक्ट्री में सेफ्टी के इग्नोरेंस को एक्सपोज करने के लिए लोकल जर्नलिस्ट कुमावत यानी कि सनी हिंदुजा की मदद कर रहा है, जो यूनियन कार्बाइड में पल रहे खतरे को अपने न्यूज़पेपर के जरिए उठाता है। शातिर चोर बलवंत भोपाल जंक्शन पर गैस चुराने पहुंचा है, मगर जब गैस लीक के बाद स्टेशन पर लाशों के अंबार लगते हैं तो मदद में जुटना पड़ता है, नहीं तो उसके कांस्टेबल बनने के झूठ का भांडा फूट सकता था। क्लाइमेक्स में बलवंत का किरदार जो मोड़ लेता है वो इम्पोर्टेंट मैसेज छोड़ता है। वही वो व्हाइट कॉलर राइटर्स मतलब सफेद पोश दंगाई है जो ट्रेन में घुसकर मासूमों की जान लेना चाहते हैं। इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद दंगों के इस पहलू को भोपाल गैस ट्रेजेडी के इंस्टेंट में गूथा गया है, जो मेन प्लॉट को सपोर्ट करता है। सीरीज के शुरुआती सीन्स में इफ्तिखार सिद्दीकी के घर पर चल रहे टीवी में राजीव गांधी के स्पीच की लाइन सुनाई देती है, जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो जमीन थोड़ी हिलती है। ये लाइन बहुत कुछ कह जाती है। सीरीज इस इंसिडेंट को लेकर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की लैक्सिटी और गवर्नमेंट मशीनरी की नेग्लिजेंस को भी एक्सपोज करती है। डेडली गैस लीक इंसिडेंट को जिस तरह से डील किया गया वो परेशान करता है। यूनियन कार्बाइड की कमियों को एक्सपोज से लेकर शहर को बचाने तक की फिक्र कॉमन सिटीजंस को ही थी। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के जो लोग काम करना चाहते थे उनके हाथ बांध दिए गए थे। इंसिडेंट के हिसाब से असली फुटेज और क्लिपिंग का इस्तेमाल क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है, मगर राइटर्स को एडमायर करना होगा कि सीरीज को डॉक्यूमेंट्री नहीं बनने दिया। एक्टर्स की एक्टिंग की बात करें तो के मेनन और बाबिल खान ने अपने किरदारों के जरिए सीरीज की ओरिजिनलिटी को मेंटेन्ड रखा। ऑनेस्ट और डिसिप्लिन्ड स्टेशन मास्टर सिद्दीकी के किरदार में के ने एक बार फिर अपनी एक्टिंग से इम्प्रेस किया है। इस किरदार की एक बैक स्टोरी भी सपनों के जरिए सामने आती है। जब एक ट्रेन एक्सीडेंट में वो बच्चे की जान नहीं बचा पाया था और यही तड़प भोपाल गैस ट्रेजेडी में उसे जाने बचाने के लिए इंस्पायर करती है। यूनियन कार्बाइड से 10 कदम दूर बस्ती में रहने वाले इमाद के किरदार में बाबिल की परफॉर्मेंस बांधे रखती है। उन्हें इस किरदार में ढलते देखने उनकी ग्रोथ दिखाता है। बलवंत चोर के किरदार में देवेंदु की एक्टिंग दिलचस्प है। कुछ सिचुएशंस में किरदार सीन्स के टेंशन को कम करके ह्यूमर भी देता है। उसके डायलॉग भी इस तरह के हैं, अमिताभ बच्चन की फिल्मों के टाइटल्स को जोड़कर लाइन बोलना गुदगुदाता है। भोपाल जंक्शन पर फंसे पैसेंजर्स की मदद करने की जब सारी उम्मीदें फेल हो जाती हैं, तो सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर रति पांडे अपने जीएम स्पेशल में रिलीफ मटेरियल निकालते हैं। इस किरदार में आर माधवन की प्रेजेंस दमदार लगती है। वहीं डीजे रेलवे राजेश्वरी जंगले के किरदार में जूही चावला की ब्रीफ प्रेजेंस इफेक्टिव और कहानी के लिए इम्पोर्टेंट रही है। गोरखपुर एक्सप्रेस में सिख पैसेंजर के किरदार में मंदिरा बेदी और उसे बचाने वाले गार्ड रघुबीर यादव ने अपने किरदारों के साथ जस्टिस किया है। ड्यूरेशन 4 एपिसोड्स ऑलमोस्ट 3 hours 58 minutes। 18th नवंबर 2023 से हिंदी तमिल तेलुगु एंड इंग्लिश में नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीमिंग हो रही है। अब आती हूँ मैं फाइनल सेक्शन में, मतलब आपको ये वेब सीरीज देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। माय वर्डिक्ट, द रेलवे मैन इज वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज रिलीज दिस ईयर, इन विच द राइटिंग इज वेल सपोर्टेड बाय द एक्टिंग एंड डायरेक्शन। द मिनी सीरीज ऑफ 4 एपिसोड्स ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 1 hour ईच इज अ सक्सेसफुल स्टोरी ऑफ अप्लाइंग ह्यूमैनिटीज पाम टू द वॉन्ट ऑफ द भोपाल गैस ट्रेजेडी। थैंक यू। तो मैं यहीं पे इस वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।